नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है 1916 का लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन। पिछले अध्याय में हमने देखा, क्योंकि मित्रों हमारा अभी तक का सेशन एक ही चीज चल रहा है, वो है कांग्रेस का मुख्य मुख्य अधिवेशन। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि 1911 के कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य रूप से दो तीन बातें हुई। पहली बात कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, कोलकाता की जगह हमारे प्रदेश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली को बनाया गया, नई दिल्ली को, और राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। हमने देखा मित्रों 1911 में ये चीज़ें घटित हुई। आज का हमारा टॉपिक है उसके आगे, तीन चार पाँच साल और छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्य कोई घटना ऐसी नहीं हुई। तो 1916 में लखनऊ में जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर दो मुख्य बातें थी, उन्हीं दो बिंदुओं पर हम विचार करेंगे डिटेल में मित्रों। पहली बात थी नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल, हमने देखा मित्रों 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रकार से जूते चप्पल चले थे, मारपीट हुआ था, विचारधाराओं का टकराव हुआ था, किस प्रकार मंजिल एक होने के बावजूद भी रास्ते अलग अलग हुए थे। दोनों पार्टियों में, दोनों खेमों में नेता अलग थे, विचारधारा अलग थे। एक तरफ लाल बाल पाल और घोष जी थे, और दूसरी तरफ फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे, अलग हो गए थे। लेकिन 10 सालों तक अलग होने के बाद क्या उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि जो कुछ हमने किया ठीक था या गलत था? 10 साल बाद वह फिर से मिल रहे मित्रों 1907, और अगर देखा जाए तो 9.5 साल बाद ये फिर से मिलते हैं। नरम दल और गरम दल में फिर से मुलाकात होती है। उसके कारण कई हैं, कारण कई हैं, लेकिन उसमें मुख्य मुख्य कारण है मित्रों कि उनको ये एहसास हुआ कि क्या हमारे रास्ते अलग होकर, जो हमारा एक ही ध्येय है भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति, क्या उसमें हमको कोई सफलता मिली है? तो दोनों अलग होकर क्या इन्होंने उस राष्ट्रीय आंदोलन को क्या हवा दी है, चिंगारी दी है? नहीं, उन्होंने महसूस किया। और भी कई कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध भी था एक कारण। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुस्लिमों से, नरम दल से, गरम दल से सबसे रिक्वेस्ट किया, अनुनय विनय किया कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, ब्रिटेन का साथ दीजिए, जिससे हम लोग ध्रुवीय शक्तियों से जमकर लड़ सकें, अन्यथा उनका शासन होगा, जर्मनी का शासन होगा, तो बहुत बुरा होगा। तो मिलाजुला कर कारण चाहे जो भी हो, लेकिन 1916 में दोनों की मुलाकात हुई। दूसरा जो पॉइंट हुआ था, दूसरी चीज हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि 1916 का अधिवेशन हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हर जगह बिखरा हुआ, लेकिन यहां पर जुड़ा हुआ। मुस्लिम लीग, जैसा कि हमने देखा था 1905 के बंगाल विभाजन के समय पूर्वी बंगाल को अंग्रेजों ने हवा दी कि यह मुस्लिम क्षेत्र है, इसको मुस्लिम बहुल बनाया जाए, आपको सुविधा मिलेगा, और दुनिया भर की रियायतें देकर उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई मुस्लिमों के हित के लिए। तो अलगाव था वो भी 9-10 साल, क्या 11 साल बाद उन्होंने फील किया कि नहीं, जो चीज़ें हमने चाही थी उनको मिला नहीं, तो क्यों ना मिल जाए हम लोग। तो यहाँ पर मुलाकात हुई। इसके अध्यक्ष थे मित्रों अंबिका चरण मजूमदार। तो आपके प्रश्न में भी बहुत बार आया है 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। इन्होंने कहा, बड़ी गजब की लाइन इन्होंने कहा, अध्यक्ष चुनते ही जब ये सम्मेलन शुरू हुआ दिसंबर में, तो उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के अलगाव के बाद और मत विभिन्नता के बाद, विचारधाराओं के टकराव के बाद, आपस में अनेकों गलतफहमियों के बाद, राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने एहसास किया
विभाजन हमारी मौत है, एकता में हमारा जीवन है, हम दोनों भाई फिर से मिल गए हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अंबिकाचरण मजूमदार ने, और दोनों मिल जाते हैं, नरम दल और गरम दल। उस मिलने के मित्रों हमने भूमिका तो देखा कि चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो और चाहे तिलक जी जब 1908 में जब जेल में जाते हैं मांडले जेल में, 6 साल बाद जब आते हैं 14 में, तो यहाँ सारी चीज़ें परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, जिनमें टकराव था और कई लोग गुजर चुके थे, परिस्थितियाँ कोई भी रही हो, लेकिन बिंदुवार अगर लिख कर अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में बैठेगा। तो चलिए बिंदुवार करते हैं कि आखिर में कारण क्या थे, मिलने के कारण क्या थे दोनों के। जी हाँ, पहला कारण था कि पुराने विवाद अप्रासंगिक। जी हाँ, ये रेलेवेंट नहीं रह गए, यानी पुराना जो विवाद था कि लाल बाल पाल और घोष चाहते थे कि क्रांतिकारी माध्यम से बड़े तेजी से हमको आजादी मिले, और ये लोग चाहते थे कि संवैधानिक सुधारों से धीरे धीरे राजनीतिक प्रेशर डाल के हम लोग आजादी लें। पहली बात तो ये थी, पुराना विवाद ये था। दूसरी बात अहम का टकराव, इधर वाले फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले लोग थे, इनका ये था कि नहीं, हमारी नीतियों से आप सहमत नहीं तो हम क्यों आपकी नीतियों से सहमत हो। और वही हाल बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, बिपिन चंद्र पाल का, और अरविंद घोष तो उग्र राष्ट्रवाद के प्रचारक थे। तो पुराने विवाद अब धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गए। असली विवाद किस पर था? स्वशासन पर था। असली विवाद किस पर था? बंगाल विभाजन की इस क्रांतिमय वातावरण को पूरे देश में फैलाया जाए, और नरम दल ने कहा कि नहीं, बंगाल तक सीमित रखा जाए। कुल मिला जुला के सब बातें खत्म हो चुकी थी, बंगाल का विभाजन रद्द हो चुका था, तो बहुत से ऐसी चीजें घटनाएं थी जो खत्म हो चुकी थी। अब विवाद के कारण बहुत ज्यादा नहीं रह गए थे, तो पुराने विवाद अप्रासंगिक रह गए थे। दूसरा है मित्रों कि राष्ट्रीय आंदोलन की हानि। दोनों ने यह महसूस किया कि हम अलग हुए, क्या इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकला, क्या कुछ अच्छा हुआ हमारे देश की आजादी के लिए। दोनों ने महसूस किया कि बिल्कुल भी ये गलत हुआ, कहीं से किसी भी तरह से हमारी फूट का केवल फायदा उठाया अंग्रेजों ने। जो चीज अंग्रेज को करना चाहिए तो हमने खुद कर दिया, अपने घर में खुद ही आग लगाया, वो लोग बैठ के तमाशा देखते रहे और हमने कुछ भी नहीं किया। आज़ादी के लिए जो हमारा मार्ग प्रशस्त होना था, जो आगे चढ़ना था, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो दोनों खेमों को महसूस हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन की हानि हो रही। तीसरा मित्र, तिलक और एनी बेसेंट का प्रयास, तिलक प्लस बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में मित्रों हम पढ़ेंगे आगे, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में जब इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट एक विदेशी होकर भारत की आज़ादी के लिए इतना जबरदस्त प्रयास करना, और तिलक जी तो देशभक्त थे ही, इन दोनों के प्रयास ने भी दोनों को मिलने में बड़ा योगदान दिया। यद्यपि इनके कुछ समय पहले 1916 में ही, हम आगे चर्चा करेंगे, 1916 में ही प्रारंभ किए गए होम रूल लीग आंदोलन को कुचल दिया अंग्रेजों ने, लेकिन जोश ठंडा नहीं हुआ। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, इन्होंने थोड़ी नरमी बरती, ढिलाई क्या दिखाया, इन्होंने कहा कि हम भारत में स्वशासन चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुधार, स्वशासन को प्रशासनिक सुधार के माध्यम से चाहते हैं, न कि हिंसा के माध्यम से। हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना हमारी मंशा नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने भी अपने स्वभाव में नरमी लाई, तो वह भी एक कारण बना। उन्होंने कहा कि हिंसा, जिस हिंसा को उग्रवाद में जगह था, उग्रपंथियों में जगह था, उसको इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा नहीं, हम ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहते हैं, हम प्रशासनिक सुधार चाहते हैं, स्वशासन के लिए प्रशासनिक सुधार। और चौथा था मित्रों मेहता और गोखले की मृत्यु, मेहता प्लस गोखले। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेहता साहब, फिरोज शाह मेहता, मुंबई के पारसी, बड़े ही तानाशाही टाइप थे, तानाशाही प्रवृत्ति थी उनकी, वो कुछ सुनते नहीं थे, बिल्कुल पढ़ते नहीं थे नरमपंथियों से, उनकी मृत्यु हो गई। और गोपाल कृष्ण गोखले इतने बड़े नेता थे, गांधी जी के गुरु भी थे, तो इनकी भी विचारधारा में बड़ी टकराव थी उग्रपंथियों से, तो ये गुजर गए, तो वह भी नहीं रह गए, तो अब फिर टोकने वाला बचा कौन। तो यह चार मुख्य कारण मित्रों, चार मुख्य कारण ऐसे थे जिनकी वजह से इन दोनों में जुड़ा हुआ। दूसरा है
अब आता है दूसरा कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, दूसरा पॉइंट ये हमारा ये आता है, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग इन लोगों में भी समझौता हुआ। इन लोगों ने एहसास करके कि भारत की आजादी या भारत का स्वशासन अगर हम एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे के साथ मिलकर करें तो प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों अपनी समान मांगों के साथ, इतनों समान मांगों के साथ सरकार के समक्ष पेश हुए। अपने दोनों ने समान मांगे रखी, मांगे क्या रखी अभी हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस क्यों नजदीक आ रही थी, फायदा क्यों नजदीक आ रही थी, क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारी थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, उसमें मुस्लिम लीग का पकड़ बहुत ज्यादा था। अर्थात मुस्लिम लीग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में खूब लिप्त हो रहे थे, तो कांग्रेस ने सोचा कि ओ ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और युवा लोग से ही हमारे क्रांति को धार मिल सकती है, तो जब ये मुस्लिम क्रांतिकारी हैं तो इनको अपनी तरफ मिलाया जाए, वो कारण था। और भी कई कारण थे जिसके वजह से ये कांग्रेस और मुस्लिम लोग एक दूसरे से मिले, उसके हम लोग बिंदुवार चर्चा करते हैं। मित्रों लिखते जाइएगा सब कुछ। पहला कारण था बाल्कन युद्ध, बाल्कन युद्ध 1912-13, यूनान, रोमानिया, अल्बानिया, पहले तो बहुत से राज्य थे बाल्कन में, अब तो दो ही तीन बचे हुए हैं। मैं तो इसको हम जब एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे भूगोल में बहुत डिटेल पढ़ेंगे क्या है बाल्कन राज्य और प्रथम विश्व युद्ध में भी, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, बात इतना जानिए कि एक तुर्की देश है, तुर्की तुर्की वही देश है मित्रों जहां पर कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल का डब्बा बेचते थे, केरोसिनाल का डब्बा बेचते थे। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, हम आगे पढ़ेंगे। तो तुर्की में खासियत क्या है कि यहाँ के जो खलीफा होते थे उनको पूरे, मतलब मुस्लिम खलीफा, उनको पूरे विश्व के खलीफा अपना पैगंबर मानते थे, अपना रहनुमा मानते थे, अपना मुखिया मानते थे। तुर्की में रहने वाले मुस्लिम मुखिया को अपना मुखिया मानते थे। तो इन्होंने देखा ये लोग घिर रहे थे, तुर्की जो है घिर रहा था 1912-13 में, कई देशों से बाल्कन युद्ध होने जा रहा था और उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा था। इसने इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से मदद मांगी कि हमको आप मदद दीजिए, अब ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, चूंकि ब्रिटेन का शासन हमारे यहाँ भी था तो इनकार कर दिया, तो बुरा किस पर असर पड़ेगा, मुसलमानों पर। उन्होंने सोचा कि नहीं बिल्कुल गलत है, तो हमारे मुखिया को हमारे रहनुमा को अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं दिया, और तुर्की को हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो होने वाला है या अभी बाल्कन युद्ध हो रहा है उसमें तहस नहस कर दिया जाए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज होंगे। तो उनकी थोड़ी सी दूरी बढ़ी, अंग्रेजों से मोह भंग होना शुरू हुआ। दूसरा था बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द। अब देखिए उन्होंने कितना लॉलीपॉप दिया था पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को कि नहीं आप अलग हो जाओ, आपको अलग से सहूलियतें मिलेंगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप लोग एक हो जाओगे, कितना बहका होका कर सब उनको अलग किया गया था। लेकिन 1911-12 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इससे भी मुस्लिम वो लोग जो उनके बहकावे में आए थे अब रुष्ट हो गए, उनसे दूरी बढ़ा रही है कि नहीं ये लोग किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है ना, हमको केवल अलगा कर मजा लिए और लास्ट में हम दोनों का यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों अलग थोड़े हुए। तीसरा 1912 में लीग का कोलकाता अधिवेशन, मित्रों लीग का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का 1912 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। इन्होंने क्या कहा कि हम भारतीय स्वशासन के लिए, भारत के स्वशासन के लिए किसी भी ग्रुप से हम लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते एक शर्त है कि हमारे मुस्लिम हितों पर कुठाराघात न करें, मुस्लिम हितों पर प्रहार न करें, हमारे मुस्लिम जितने हित है जितने हमारी भलाई है उस पर कोई प्रहार न करे, है ना, तब हम किसी भी ग्रुप से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। वह ग्रुप कांग्रेस भी हो सकता है, वह ग्रुप कोई भी हो सकता है, देश का कोई भी ग्रुप। तो धीरे धीरे यह भी कारण बना कि नहीं, स्वशासन ठीक है, आपको जो चाहिए स्वशासन, कांग्रेस की स्वशासन चाहे वो नरम दल गरम दल का,
जैसे भी चाहिए लीजिए, लेकिन उसमें मुस्लिमों का हित प्रभावित ना हो, हमको कष्ट ना हो, कुछ हमारे लिए सहूलतें दे दीजिए, हम लोग आप साथ में लड़ने के तैयार हैं। और चौथा मित्रों, दमन, दमन, दमनात्मक कार्यवाही। दमनात्मक कार्यवाही हुआ क्या कि उस समय हमारे सबसे उभरते हुए नेता मुस्लिम कौन थे, हमारे मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के एक पत्र था अल हिलाल, अल हिलाल, इनका पत्र था अल हिलाल। और मौलाना मोहम्मद अली, मित्रों आप लोग ये मत समझिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना नहीं, ये अलग हैं। मोहम्मद अली का कामरेड, कामरेड नामक पत्र पर बड़ा ही प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके साथ बड़ा सख्ती किया गया, इसका दमन कर दिया गया। और अली बंधु, अली बंधु माने एक ये थे मौलाना मोहम्मद अली, एक शौकत अली, दोनों भाई थे, सगे भाई थे, अली बंधु आजाद और हसरत मोहानी, एक और बड़े नेता थे हसरत मोहानी। इन तीनों नेताओं को, इन तीनों नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। अब कल्पना करिए मित्रों, ये तीनों बड़े ही आदरणीय, बड़े ही सम्माननीय मुस्लिम बंधुओं में, और आपके नेता को, आपके मुख्य मुखिया को नजरबंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो आप क्या सोचेंगे? तो उनके मन में एक विद्रोह पनपा, नहीं ये गलत है, हमारे मुखिया के, हमारे नेताओं के मुख्य पत्र को बंद कर दिया गया, दबा दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, गलत है ये, बिल्कुल यहाँ पर ये गलती हुई है। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, मिलेंगे हम लोग कांग्रेस, मिलेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। वहीं पर मित्रों, वहीं पर दोनों में समझौता हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 का लखनऊ पैक्ट, जनरली हम लोग यही जानते हैं कि उसमें नरमदल गरमदल मिले, लेकिन असली समझौता तो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। तो लखनऊ पैक्ट अच्छा तो रहा, लेकिन एक बवाल हुआ, इसमें बड़ा योगदान दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने भी थोड़ा बहुत, एनी बेसेंट और तिलक का योगदान तो था ही। सबसे ज़्यादा नाराज थे मालवी जी, मदन मोहन मालवी जैसे वकील, इतने बड़े नेता, ये बड़े नाराज थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसमें मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जा रही है, गलत है, बिल्कुल वो खिलाफ थे। तो तिलक जी ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि कुछ महानुभावों का आरोप है कि मैं मुस्लिम हितों को तवज्जो दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ, तिलक जी ने कहा मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूँ, तिलक जी ने कहा कि स्वशासन का अधिकार यदि मुस्लिमों को दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि स्वशासन का अधिकार राजपूतों को दिया जाए तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि स्वशासन का अधिकार हमारे भारत के समाज के पिछड़े वर्ग को दिया जाए तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के किसी भी तबके को दिया जाए, कितने भी पिछड़े वर्ग को दिया जाए तब भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तीसरी पार्टी से लड़ रहे हैं और तीसरी पार्टी से लड़ने के लिए हमें दो पार्टियों को आपस में मिलना होगा, एक होना पड़ेगा। तिलक जी ने चूंकि ये भाषा बोली थी, और इतने विद्वान थे, इतने सम्मानित थे, इतने तपे हुए इंसान थे कि उनका कोई विरोध नहीं कर पाया, और लास्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट में दो बातें हुई मित्रों, दो बातें मुख्य रूप से हुई जिसके वजह से इसे जाना जाता है। पहला कि लीग द्वारा कांग्रेस के स्वशासन को, कांग्रेस के स्वशासन को स्वीकार। अब कांग्रेस का स्वशासन जो चल रहा था, है ना, नरम दल गरम दल में जो मतभेद की वजह से चल रहा था स्वशासन, उसको लीग ने कहा कि ठीक है भैया, हम आप ही के ढंग से आजादी चाहेंगे, बस एक ही शर्त हो, उसमें मुस्लिमों को कुछ छूट दिया जाए, कुछ हमारी भावनाओं को आहत न किया जाए, जिससे हमारे मन में यह डर है, वहम है कि हिंदू हमारे दुश्मन, उसको निकाला जाए। कांग्रेस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तुम करो कुछ हम करें। तो उन्होंने शासन को स्वीकार कर लिया कि चलिए जैसे आप कहेंगे वैसे ठीक है। और दूसरा था, दूसरा था कि अलग से
अलग से मुस्लिम प्रतिनिधित्व या मुस्लिम प्रतिनिधित्व अलग से मुस्लिम चुनाव के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। यह किसी मामले में मित्रों अच्छा होकर भी बुरा था और बुरा होकर भी अच्छा था। मुसलमानों को अलग से चुनाव में जाने के लिए अलग से उनका चुनाव क्षेत्र निर्धारित किया गया। अब फायदा और नुकसान इसका देखिए, दो चीजें से मुख्य हुई तो बहुत सी चीजें, अगर आप थ्योरेटिकल जाएंगे तो बहुत सी चीजें हुई, लेकिन आपके दिमाग में घुसने के लिए दो मुख्य चीजें हैं कि लीग ने उन अरे लीग ने कांग्रेस की बात मानी कि स्वशासन, और कांग्रेस ने मानी कि चलिए भाई आपको अलग से चुनाव क्षेत्र सब मिलेगा, आपको दिया जाएगा, और वास्तव में कई जगह अलग अलग चीज उनको दिया गया। तो इसके नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू यह है कि पहली बात कि लीग और कांग्रेस में जो जुड़ा हुआ, इसके मुख्य मुख्य नेता जुड़े लेकिन जनता नहीं जुड़ पाई, जनता से कोई मतलब नहीं रहा या जनता का कोई राय जानने का प्रयास नहीं किया कि दोनों में मेल हुआ है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम विचारधारा में अभी तक मतभेद है या सम्मिलन है, कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया गया बड़े स्तर पर। केवल नेता लोग और कुछ बड़े ही पहुंचे हुए लोगों ने आपस में समझौता किया। और दूसरा नकारात्मक पहलू क्या था कि जो अलग से प्रतिनिधित्व प्रणाली की गई चुनाव की, ये चलकर आगे चलकर मित्रों द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक आधार बना, भारत पाकिस्तान को बांटने का एक बहुत बड़ा आधार बना। यह नकारात्मक था। दो चीजें, पहली बात कि जनता स्तर तक जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है ना, और दूसरी चीज कि अलग से चुनाव प्रणाली, तो जब आप किसी को लॉलीपॉप देते हैं तो हमेशा उसकी इच्छा और चाहत हो जाती है, तो ये गड़बड़ी हुई। लेकिन सकारात्मक पहलू था कि पहली बार मुसलमानों के मन से यह भय दूर हो गया कि हिंदू सिर्फ हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने उनका उनको डर ही दूर हो गया कि नहीं, हिंदू लोग हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे में समझौता हुआ है, हम उनकी बात माने वो हमारी बात माने। तो सकारात्मक ये रहा, और आगे चल के ये दोनों मिलकर काफी लड़े भी, खिलाफत आंदोलन में आप देखिएगा आगे चलकर दोनों मिलकर लड़े है ना, भले ही वो उनका मुस्लिम हित तुर्की से संबंधित था लेकिन लड़े दोनों मिलकर। कुल मिला जुलाकर 1916 का लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के लिए बड़ा ही फलदायक था। आज का टॉपिक इतना ही मित्रों, अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट अधिवेशन को लेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा मित्रों, कमेंट करते हैं तभी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, या गलतियां होती तो उसका कुछ हमें एहसास होता है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक्स और डिसलाइक्स आपके हाथ में है, जैसा समझ में आए, अच्छा लग रहा है तो लाइक्स का बटन जरूर दबाइएगा। आगे मिलते हैं नई चीजों के साथ, धन्यवाद।